हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये वीडियो आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड और टॉप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस में रखे गए हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए गए हैं। ओके, और इनका लेवल क्या है, बिल्कुल यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के पैटर्न जैसा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑन नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है। ओके फ्रेंड्स, कुछ लोगों को हिंदी कम समझ में आती है तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ करूँ और लोगों को समझ में आए। तो इसका ऑप्शन है यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, WHO, UNDP। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनिसेफ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और फ्रेंड्स, ये यूनिसेफ पूरे विश्व में क्या करती है, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है, उनकी उनके टीकाकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। हर क्षेत्र में या कोई डिजास्टर आती है कभी भी तो उस टाइम पूरे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करती है। ओके, और मेनली इनका काम करने का स्वास्थ्य का क्षेत्र है जिसमें काफ़ी योगदान है। पूरी दुनिया में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स बच्चे के लिए जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उसमें काफ़ी फंडिंग करता है यूनिसेफ सारे देशों को। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है यूनिसेफ का बच्चों के लिए। ओके फ्रेंड्स, आंसर है ए, ये आंसर इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही है क्या, फोटोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी के द्वारा दौरान क्या करना चाहिए, बच्चे को ब्रॉन बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए, यानी ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन की कितनी डोज बच्चे को दी जाती है। ओके, यहाँ पे 5-in-1 यानी पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में, डोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो कितनी डोज दी जाएगी, 1 डोज, 2 डोज, 2 डोज, 3 डोज एंड 5 डोज। तो राइट आंसर इज 3 डोज। ठीक है, 3 डोज बच्चे को पेंटावेलेंट वैक्सीन की दी जाती हैं एंड सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन आपका सही है। बात करते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन की, तो एक वैक्सीन में कितनी, आपको 5 वैक्सीन्स रहती हैं और ये 5 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है और वो डिजीज़ हैं आपकी डिप्थीरिया, काली खांसी यानी हीमोफिलस पर्टूसिस एंड टिटनस एंड क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, ये 5 वैक्सीन्स हैं और ये पेंटावेलेंट वैक्सीन में शामिल की जाती हैं और ये 5 बीमारियों से पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और राइट आंसर इज सी, ऑप्शन इज राइट। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में हार्ट रेट पर मिनट कितनी होती है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु में हार्ट रेट पर मिनट कितनी होती है। तो गर्भस्थ शिशु का अर्थ यहाँ पर ये है कि जब बच्चा यूट्रस में रहता है तो उस टाइम हार्ट रेट पर मिनट कितनी होती है। तो 100 से 120, 92, 100, 122, 140, 110 से 130। ओके फ्रेंड्स, आप लोग आंसर बताते चलिए और ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप कमेंट जरूर करिए आपको वीडियोस कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तो कितना पर मिनट कितनी हार्ट रेट रहेगी, ये रहेगी 120 से 140, 120 से 140 रहेगी हार्ट रेट आपकी बच्चे की। एंड नेक्स्ट हमारा है, राइस वाटर स्टूल किसका लक्षण है।
राइस वाटर स्टूल किसका लक्षण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन से डेंगू, मलेरिया, कॉलरा एंड टाइफाइड। ठीक है, तो राइस वाटर स्टूल क्या है, अर्थ ये है कि चावल जैसा जो पानी होता है, चावल का पानी, उस टाइप का जो स्टूल होता है वो सिम्टम किसका है? ये है आपका कॉलरा। कॉलरा इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा, भोजन के द्वारा फैलता है कॉलरा। और कॉलरा काफ़ी सालों पहले एक महामारी के रूप में बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में फैला था। एंड ऑप्शन इज राइट, कॉलरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू बॉर्न बेबी का फर्स्ट स्टूल कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबम, लेनुगो, मेकोनियम एंड वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है फर्स्ट स्टूल? ये कहा जाता है मेकोनियम। ओके, मेकोनियम फर्स्ट स्टूल कहा जाता है बच्चे का। और लेनुगो क्या होता है? लेनुगो नवजात शिशु, बच्चे में रोएदार बाल जो पाए जाते हैं उनको लेनुगो कहा जाता है। वर्निक्स कैसियोसा, जो मोम जैसी चिपचिपा पदार्थ बच्चे पे लगा होता है बॉडी पे, तो दैट इज कॉल्ड वर्निक्स कैसियोसा। एंड इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एंड वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय सामान्य स्वस्थ शिशु की हाइट कितनी होती है? ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ एक जो नॉर्मल बेबी होता है उसकी हाइट कितनी होती है? एंड ऑप्शंस हैं 6 से 8 इंच, 18 से 20 इंच, 20 से 40 इंच, 8 से 10 इंच। तो इसमें कितनी बच्चे की हाइट होती है? ये होती है 18 से कितनी 20 इंच, यानी बी बी ऑप्शन इज राइट, 18 से 20 इंच होती है बच्चे के एट द टाइम ऑफ बर्थ। नॉर्मल बेबीज हाइट इज कितना? 18 से 20 इंच, 18 to 20 इंच। एंड वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूरिसिस का अर्थ क्या है? इम्पॉर्टेंट, नींद में खांसना, नींद में सांस न लेना, नींद में पेशाब करना, नींद में चलना। तो व्हिच इज़ द राइट आंसर, क्या है आपका? नींद में पेशाब करना, यानी क्या, सोते समय क्या करना? यूरिन करना। ठीक है, नींद में पेशाब करना, टॉयलेट करना, ये क्या होगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट, यूनिरिसिस का अर्थ है नींद में पेशाब करना बच्चे के द्वारा। नेक्स्ट है, सामान्यतया नवजात का जीवन के प्रथम समय में कितना वजन होता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस ये है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होती है, बेबी होता है, उसे फर्स्ट वीक में कितना वजन कम होता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से 1 सप्ताह के अंदर बच्चे का वजन, जो जन्म के समय वजन था उससे कितना कम होता है? दिस इज द क्वेश्चन। एंड ऑप्शंस है आपके, जन्म पर वजन का 1%, जन्म पर वजन का 5%, एंड जन्म पर वजन का 10%, एंड जन्म पर वजन का 20%। तो क्या ऑप्शन होगा आप बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन पे। ये है आपका, क्या होगा आपका? बी होगा, जन्म पर वजन का 5%, यानी जन्म के समय बच्चे का जितना वजन था उसका 5% वजन 1 सप्ताह के अंदर कम हो जाता है। ये है आपका आंसर, बी ऑप्शन इज राइट क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कीमोथेरेपी के दौरान बहुत कम प्लेटलेट संख्या वाले बच्चे की नर्स देखभाल कर रही है, नर्स को बच्चे के मूत्र में, यूरिन में किसकी उपस्थिति की निगरानी करनी चाहिए? एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्लूकोज एंड प्रोटीन। ठीक है, किसकी जांच करनी चाहिए? ये करनी चाहिए एरिथ्रोसाइट्स की, जिसमें क्या होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये ठीक है, ये आंसर इज राइट आपका, एरिथ्रोसाइट्स की निगरानी करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे का वजन तिगुना हो जाता है, तिगुना का अर्थ है 3 गुना, तो बच्चे का वेट 3 गुना कब हो जाता है? जन्म के वजन के बाद, जो बच्चे का जन्म होता है उसके बाद बच्चे का वजन 3 गुना कब हो जाता है? आंसर ऑप्शन आपके, 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, 1 वर्ष में
और 6 माह में। ओके, तो एक वर्ष में क्या होगा, बच्चे का वजन 3 गुना हो जाएगा जो वजन उसका जन्म के समय होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिकेट से पीड़ित बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए। ओके, ऑप्शंस आपके रिकेट्स को जिसको सूखा रोग भी कहेंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन। तो कौन सा खनिज लेना चाहिए, राइट आंसर आपका कैल्शियम। ठीक है, सूखे से रिकेट से पीड़ित बच्चे को कौन सा मिनरल देना चाहिए, कैल्शियम देना चाहिए। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, आपके लोगों के काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का रहेगा। और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है, तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। नवजात शिशु न्यूली बॉर्न बेबी हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले इंट्रावेनस कैनूला का साइज क्या होता है। एंड ऑप्शंस है 18, 18, 20, 22 एंड 24। तो विच इज़ द राइट आंसर, ये आपका आंसर है 24। क्या होगा, 24, 24 इज़ द राइट आंसर ऑफ कैनूला साइज। ओके, 24 डी आंसर इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम यानी ये आँखों का डिजीज़ है, आइस डिजीज़ है, का न्यूली बॉर्न बेबी में क्या कारण, क्या रीज़न हो सकता है। ऑप्शन इज HIV इन्फेक्शन, रुबेला इन्फेक्शन, ओके एंड गोनोरियल इन्फेक्शन एंड क्लेमेडियल इन्फेक्शन। ठीक है, और फ्रेंड्स इस ऑप्शन को थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। ठीक है, ये है दिस इज द राइट। तो रूबेला इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शन एंड क्लेमिडियल इन्फेक्शन, तो कौन सा आपका आंसर सही है, ये है आपका गोनोरियल इन्फेक्शन। ओके, गोनोरियल इन्फेक्शन, जब माता में गोनोरियल निशेरिया गोनोराई होता है तो क्या होता है, निशेरिया गोनोराई होता है, जब माता में निशेरिया गोनोराई होता है, इन्फेक्शन होता है इसका, तो क्या होता है, बच्चों में ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन आपका सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चा किस उम्र में फैमिलियर पर्सन के साथ मुस्कुराता है, यानी जो फैमिली में जो उनके मेंबर्स होते हैं जिनको बार बार देखता है तो उनके साथ कब मुस्कुराने लगता है। ये है 1 month, 2 month, 4 month एंड 6 month। तो 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो फैमिलियर पर्सन को देख के मुस्कुराता है। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट, ये आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपके यूपीपीएससी स्टाफनर्स के होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और क्वेरीज हैं आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और ये ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और बताइए आपके टोटल क्वेश्चंस कितने सही हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।